हेलो व्हाट्सअप गाइस आज हम इस वीडियो में देखेंगे हाउ टू ऐड क्वेरी क्लाइंट एंड प्रोवाइडर इन आवर टेंस स्टैक क्वेरी जी हाँ गाइस तो हमने कल से न्यू सीरीज स्टार्ट की जिसका नाम है टेंस स्टैक क्वेरी ट्यूटोरियल जो कि आपका रिएक्ट क्वेरी भी कहलाता है तो इस प्लेलिस्ट को अभी तक चेकआउट नहीं किया बेसिकली इस वीडियो को तो जरूर चेकआउट कीजिएगा तो आज हमें ये देखना है कि अब हम हमारे जो टेंस स्टैक क्वेरी है उसको रिएक्ट एप्लीकेशन में कैसे ऐड कर सकते हैं ठीक है तो ये आप देख सकते हो कि ये कुछ एप्लीकेशन है जिसके साथ हम काम कर रहे हैं एंड इतना हमने कल की वीडियो में बना लिया था तो कुछ चीज़ें हैं जो मैंने अभी एक्स्ट्रा ऐड कर लिए लेट्स से दिस इज आवर हैडो एकदम बेसिक सिंपल है जो हम ऑलरेडी हमारे रिएक्ट एप्लीकेशन में बना चुके उसी को ही कॉपी पेस्ट किया है ठीक है वी हैव दिस पर्टिकुलर लिंक जो आपको ध्यान में रखना ट्रेडिशनल और एक हमारा रिएक्ट क्वेरी की मदद से हम करेंगे देन वी हैव आवर ऑफ फोटो जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा ओवर ही लेट्स को विथ आवर फोटो तो फोटो में भी आप देख सकते हो मैंने सिंपल सा एक कॉपी राइट एट द रेट थापा टेक्निकल इसको चिपका दिया है यहाँ पर इसको भी कैपिटल ही कर देता हूँ ना है ना तो ये मैंने कर दिया एंड मैंने हमारा जो सी एस एस का जो कोड है उसको मैंने ऑलरेडी कॉपी एंड देन पेस्ट कर दी क्योंकि इट्स ऑल अबाउट आवर रिएक्ट क्वेरी हम ऑलरेडी रिएक्ट भी देख चुके हैं अब ये तो रिएक्ट क्वेरी की बात आती तो मैं नहीं चाहता कि सी एस एस में आपका ज्यादा समय वेस्ट हो सो उस कोड बिल्कुल फ्री है बिल्कुल भी टेंशन आपको नहीं लेना है ठीक है या गाइस तो अब हम बिना किसी के बिल्कुल स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो मैंने आपसे कहा कि वी नीड टू ऐड द क्वेरी क्लाइंट एंड प्रोवाइडर इसका क्या मतलब होता है मैं आपको बताता हूं इन रिएक्ट क्वेरी द क्वेरी क्लाइंट प्रोवाइडर इज अ कंपोनेंट दैट प्रोवाइड्स अ क्वेरी क्लाइंट इंस्टेंस टू योर रिएक्ट एप्लीकेशन दिस क्वेरी क्लाइंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग ऑल द डेटा फैचिंग कैसिंग एंड स्टेट मैनेजमेंट रिलेटेड टू योर क्वेरीज So guys, इसको एकदम सिंपल टर्म्स में मैं आपको बताऊं तो हमारा जो ये क्वेरी क्लाइंट प्रोवाइडर है ये कंपोनेंट है जो कि हमें क्वेरी क्लाइंट इंस्टेंस प्रोवाइड करता है एंड हमारा ये जो क्वेरी क्लाइंट इंस्टेंस है यही रेस्पॉन्सिबल है फॉर मैनेजिंग द डेटा फैचिंग कैसिंग म्यूटेशन स्टेट मैनेजमेंट सब कुछ वो यही देखता है ठीक है ये बहुत ही ज्यादा सिंपल एंड बेसिक्स है मैं आपको बताता हूँ कैसे देखो इफ़ यू रिमेंबर इवन मैंने जो कल के पी में भी आपको बताया था जो काम अभी हम कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट क्वेरी वो सेम हम रिएक्ट की मदद से भी कर सकते हैं रिडक्स की मदद से भी कर सकते हैं बहुत सारी अलग चीज़ या लाइब्रेरी है हमारे पास बट इफ़ यू रिमेंबर जब हम कॉन्टेक्ट uh, प्रोवाइडर के साथ खेलते हैं तो देयर ऑल्सो वी हैव वन कॉन्टेक्सट या एप प्रोवाइडर यू नो अगर आपको याद होता है तो ऐप प्रोवाइडर करके हम काम करते थे इस तरीके से राइट right? एंड उसमें हम एक वैल्यू पास करते थे एंड वो वैल्यू के अंदर हम जो भी लिखते थे वो बेसिकली हमारे जितने भी चिल्ड्रेन उस पर्टिकुलर रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर वो हर कोई उस स्टेट या वो जो डेटा है उसको एक्सेस कर सकता था तो एक चीज़ देखने वाली बात है कि वो प्रोवाइडर था राइट एंड सेम अगर हम अगर देखें कल की वीडियो में जब हमने रूट क्रिएट की थी तो रूट भी तो एक प्रोवाइडर है राउटर प्रोवाइडर तो हम इसमें रिएक्ट राउटर डोम यूज कर रहे थे तो यहाँ पे भी तो मैंने राउटर प्रोवाइडर बना के रैप किया है ना ताकि मेरे रिएक्ट एप्लीकेशन में जितने भी रूट है सब इसका एक्सेस कर सके सेम अब जब आप रिएक्ट क्वेरी के साथ काम कर रहे हो रिएक्ट क्वेरी का काम ही यही है ना कि डेटा फैच ये सब कैसिंग ये सब हैंडल करना तो वो ऑब्वियसली चाहेगा कि भाई सारे रिएक्ट एप्लीकेशन उसका एक्सेस ले सके सो डैट्स वाई अब हमें क्या करना है ये जो रूट है उसके ऊपर हाँ उसके अंदर नहीं उसके ऊपर वी हैव वन कंपोनेंट जो कि टेंस क्वेरी हमें प्रोवाइड करता है एंड डैट इज योर क्वेरी क्लाइंट एंड देन प्रोवाइडर ठीक है सो so, एक काम करते हैं इसको सबसे पहले तो मैं यहाँ टॉप पे जो है फेच कर लेता हूं सो so, यहाँ पे लेट्स कोलाइंट प्रोवाइडर फ्रॉम आवर एट द रेट टेंट एंड देन रिएक्ट क्वेरी तो ध्यान से रखिए कि हमें कुछ इस तरीके से उसको इंपोर्ट करना पड़ता है ठीक है तो अब ये जो रिएक्ट आई मीन क्वेरी क्लाइंट प्रोवाइडर जो है क्वेरी क्लाइंट प्रोवाइडर ये तो हमने इस तरीके से गेट कर ली इसका जो क्लोजिंग टैग है एंड में रखिए अब हमें क्या करना है गाइस हमारा ये जो क्वेरी क्लाइंट प्रोवाइडर कंपोनेंट है इसके अंदर वी नीड टू पास वन प्रॉप्स जिस जो कि आपका एक क्लाइंट है एंड इसके अंदर वी नीड टू पास एन इंस्टेंस अब वो किसका इंस्टेंस होगा मैं आपको बताता हूँ ठीक है तो मैं आपके अंदर चल रहा हूँ वी नीड टू क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ योर क्वेरी एंड देन वी हैव दिस क्लाइंट आप देख सकते हो क्वेरी क्लाइंट ऊपर वो, वो इंपोर्ट भी हो गया है तो बेसिकली क्वेरी क्लाइंट क्या है मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ बट बत हमें इसका जो एक इंस्टेंस है उसको क्रिएट करना है एंड उसका नाम भी आप क्वेरी क्लाइंट ही रख दीजिए इट जस्ट डिफरेंस ये है कि यहाँ पे ये क्यू कैपिटल में है यहाँ पे स्मॉल में तो ये जो क्वेरी क्लाइंट आपने जस्ट इंस्टेंस क्रिएट की आपको वो ये पास कर देना है अब ये क्या है क्वेरी क्लाइंट मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो एकदम कोर पार्ट ऑफ वॉट आवर रिएक्ट क्वेरी लाइब्रेरी का ठीक है इसका क्या काम इसका काम है टू मैनेज द कैशिंग बैकग्राउंड फैचिंग डेटा सिंक्रोनाइजेशन एंड अदर क्वेरी रिलेटेड लॉजिक तो ये क्वेरी क्लाइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिकॉज यही है जो आप मैनेज करता है आपका डेटा को फैच करना कैसिंग करना डेटा सिंक्रोनाइजेशंस एंड ऑल इट प्रोवाइड्स अ सेंट्रलाइज स्टोप फॉर मैनेजिंग एंड कैसिंग एक सिंक्रोनस डेटा इन योर एप्लीकेशन तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये जस्ट अभी हमने लिखा टू क्रिएट एन इंस्टेंस एंड क्वेरी क्लाइंट प्रोवाइडर के अंदर हमने वो डेटा पास की क्यों ताकि इज यूज टू प्रोवाइड द क्वेरी क्लाइंट इंस्टेंस टू योर एंटायर रिएक्ट एप्लीकेशन ताकि हमारे जो एंटायर रिएक्ट एप्लीकेशन है वो हमारे ये जो क्वेरी क्लाइंट की जो भी प्रॉपर्टीज मैथड्स है उसको यूज कर सके सिंपल सो so, ये क्वेरी क्लाइंट उसका इंस्टेंस क्रिएट करना एंड देन क्वेरी क्लाइंट प्रोवाइडर आपको नहीं भूलना है सबसे पहला स्टेप यही है कि जल्दी से आप अपने ऐप डॉट जे सिक्स फाइल पर आइए या आपका जो भी मेन फाइल होगा वहां पर आके आपको आपका जो एंटायर रिएक्ट एप्लीकेशन है उसको इसके अंदर रैप कर देना है नो मैटर वॉट सो इट्स योर क्वेरी क्लाइंट प्रोवाइडर कंपोनेंट जिसके अंदर वी नीड टू पास वन प्रॉप्स जिसका नाम होगा क्लाइंट एंड उसके अंदर आपको एक इंस्टेंस पास करना है क्वेरी क्लाइंट का एंड यही वो क्वेरी क्लाइंट है जिसके अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज मेथड्स है जिसकी मदद से आपका रिएक्ट क्वेरी इतना ज्यादा औसम awesome है ठीक है तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बस एक बार ये हो गया तो आप कोई टेंशन नहीं अब आप, आप चाहो तो यूज क्वेरी म्यूटेशन कैसिंग बैकग्राउंड फेसिंग डेटा सिंक्रोनाइजेशन जो आपको चाहिए आप, आप यूज कर सकते हो ऑल आर गेस्ट तो अब मैं चाहूँ तो हमारी इस वीडियो को आज यहां पे एंड कर सकता था बट आई नो आपके माइंड में आ रहा होगा यार ये तो इतना सा था एक दिन इसके लिए तो ऑब्वियसली मैं वो नहीं करूंगा डोंट वरी हम क्या करेंगे हमारा ये जो ओल्ड तरीका है जहां पे हम डेटा फेच करते थे वो मैं आज आपको बताता हूं एंड जल्दी से हम अब एक्सक्यूज जो है उसका सेटअप कर लेते ठीक है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो सबसे पहले मैं जो ओल्ड तरीका इफ़ यू वांट आप वीडियो को यहां पे एंड कर सकते हो क्योंकि रिएक्ट क्वेरी नहीं मैं आपको ओल्ड तरीका बताऊँगा जिससे हम डेटा को फैच करते थे ताकि आपके माइंड में वो रिफ्रेश हो जाए अच्छा इस तरीके से हम करते थे बोल के ठीक है तो देखिए सोर्स एक न्यू फोल्डर जिसका नाम होगा एपीआई डॉट जीएसएक्स यहां पर भी आप कर सकते हो ऐसा कुछ नहीं है एपीआई डॉट ही कर दो ठीक है अब यहां ना एक्सक्यूज यूज कर रहे टू फेच द डेटा राइट सो व्हाट वी नीड टू डू हमें uh, सेटअप हम क्रिएट कर रहे सो वी या ओके हमने एक्सीूस को इंस्टॉल ही नहीं किया सो सी डी ठीक है सो गाइज यू नीड टू राइट एन पी एम इंस्टॉल एंड देन एक्सी ठीक है सिंपल आपको बस ये कमांड हिट करना है एंड देन या इट्स डन एंड हाँ गाइस मैं आपको ना एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ यहाँ पे वेन वी आर इन लाइक रिएक्ट नाइनटीन तो बाई फॉर सम रीज़न एक्सी इंस्टॉल नहीं हो रहा था सो डैट्स वाई मैंने इसको डाउनग्रेड कर दी अगेन बैक टू आवर 18 वर्जन ओनली जो भी है एंड देन फिर मैंने अभी इसको इंस्टॉल किया ठीक है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं बट हाँ अगर आप 19 यूज़ कर रहे हो जो कि आपने कल की वीडियो में देखी थी एंड अगर वो इंस्टॉल हो गया तो लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन का ही साफ क्या किया क्योंकि मैं तो नहीं कर पा रहा था बट इट्स फाइन हमें कोई इतना लेना देना नहीं अभी सब परफेक्ट है हाँ एक्सी चलो इंस्टॉल हो गया ठीक है तो सबसे पहले Let's uh, import Axios obviously from our Axios only ठीक है Once is जब ho jata to we need to create an instance again and uh, Axios dot create and iske andar now guys we need to pass one base URL and ये जो base URL होगा इसमें क्या जाने वाला मैं आपको बताता हूँ तो उसके अंदर guys ये जो JSON placeholder है हम इसका data get करेंगे ये post वाला method जो भी है ठीक है सो so, मैं यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ ऑल एट परफेक्ट ठीक है अब ये जो भी डेटा होगा इसको मैं एक ए के अंदर पास कर दे रहा हूँ सो ऑल एट सो नाओ आवर इंस्टेंस इज रेडी ए अब सबसे पहले वी नीड टू फेच दी डेटा राइट हमें डेटा को फेच करना है तो बेसिकली हम कैसे करते थे मैं आपको बताता हूँ देखो सो so, ये जो हमें एक फंक्शन क्रिएट करना है ठीक है ऑलरेडी मैं अपने एक्सक्यूज के कोर्स में बता चुका हूँ तो प्लीज आप उसको और डिटेल में समझ सकते हो सो लेट्स से आप यहाँ पे नाम देते हो फेच एंड देन पोस्ट ठीक है इस तरीके से डेटा पास की अब यहाँ पे वी नीड टू राइट रिटर्न अब ये जो भी एपीआई है डॉट हमें क्या करना है हमें गेट करना है रीड करना है अपडेट करना है या डिलीट करना है हमें रीड करना है तो उसके लिए वी हैव दिस गेट एस टी टी पी मेथड एंड ये बेस यू आर एल में ना ये जो पार्ट है इसको आप यहाँ से हटा दीजिए क्योंकि बेस तो यही है ना इसका उसके बाद यहाँ पे आके आप उसको पेश कर दीजिए सो दिस इज द योर रूट कि बेस तो ये है ही बट आपको इसमें ये जो पर्टिकुलर रूट है उसमें जो डेटा होगा उसको आप गेट कीजिए एंड रिटर्न कर दीजिए सिंपल इसका फंडा इतना ही था वंस ये हो जाता है कंट्रोलिया सेव कीजिए ये हमारे ओल्ड वाले पे आइए अब ऑब्वियसली देखो हमें क्या लगता था सबसे पहले नीड टू राइट वन डेटा या जो भी आप कह लीजिए चलो पोस्ट ले लीजिए पोस्ट सेट पोस्ट ठीक है एंड है वी हैव यूज स्टेट हुक जिसके अंदर एक एरे हमें डेटा मिलता है तो मैंने बाय डिफॉल्ट एक एरे रख दी यूज इफेक्ट हमें लगता है ये मैं आपको ओल्ड तरीका बता रहा हूँ कल की वीडियो में मैं ये बताऊँगा कि रिएक्ट क्वेरी कैसे इसको सॉल्व करता है एंड कितनी ईजी आपकी लाइफ को वो बना देता है एंड एक डिपेंडेंसी एरे मैं यहाँ चिपका देता हूँ अब ऑब्वियसली यहाँ पे मुझे क्या करना है इस वो डेटा को कॉल करना है ठीक है तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे वो जो भी मेरा डेटा वागैलेट से गेट डेटा गेट पोस्ट डेटा कुछ भी आप लिख दो ऐसा कुछ नहीं है ठीक है ये मैंने इस तरीके से पास कर दिया चलो ठीक है अब ध्यान से देखिए मैं क्या करूँगा ये जो भी डेटा है यहाँ पे कॉस्ट इस तरीके से हम इसको करते हैं ठीक है तो कैसे आप ये कह लीजिए कि आपके लिए ना ये एक रिविजन uh, हो रहा है जहां पर मैं आपको करके बता रहा हूँ कि कैसे आप करोगे एंड ऑब्वियसली वो ए को जब भी आप कॉल करोगे तो वो प्रॉमिस रिटर्न करता तो वी नीड टू मेक आवर फंक्शन एसिंग कव विट लेट्स को विथ ट्राई एंड देन कैच कंसोल डॉट लॉग लेट्स को विथ एरर ओवर हियर एंड यहाँ पे कॉन्स्ट जो भी रेस्पॉन्स मिलेगा आप वेटिंग हम क्या करेंगे इसको कॉल करेंगे ये जो पर्टिकुलर डेटा है इसको हमें कॉल करना है ओवर हियर इस तरीके से ठीक है एंड कोई डेटा पास नहीं करना अब इसको कंट्रोल स्पेस हमने इसको कर ली फैच फ्रॉम ओवर हियर तो अब इसमें ना हमें डेटा आ चुका है कंसोल डॉट लॉग एंड रेस्पॉन्स अगर मैं आपको दिखाता हूँ फिलहाल चलो इसको कमेंट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए है ना यहाँ पे अगर लेके चलता हूँ इंस्पेक्ट कंसोल तो ये देखो ऑब्जेक्ट एंड डेटा आप देख रहे हो मुझे पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे आ चुका है ध्यान से देखिए की ब्यूटी यही है कि यहाँ पे आपको वो जो डॉट जेसन करके कन्वर्जन हम करते थे जब हम फैच मेथड यूज़ करते थे तो एटलीस्ट वो करने की नीड नहीं है सो वी हैव अ डेटा एंड मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम ऑलरेडी हमारे कोर्स में देख चुके हैं ठीक है थीके? एंड गाइस मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम ये ऑलरेडी देख चुके हैं मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ कि क्या कुछ करना पड़ता था चलो इसको वापस अनकमेंट कर रहा हूँ अब ये जो भी रेस्पॉन्स होगा सेट पोस्ट एंड बाय द वे डायरेक्टली ऐसा करना बेटर नहीं रहेगा तो रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस वी हैव अ स्टेटस ओवर देयर इफ इट इज़ ट्रिपल इक्वल टू टू हंड्रेड देन हम क्या करेंगे सेट पोस्ट में जो वैल्यू है अपनी ये रेस्पॉन्स डॉट डेटा वो पुट कर दूंगा एल्स वी विल रिटर्न नल uh, ठीक है एंड इसमें ऐसा आ रहा तो इसको हटा दो फिर हम ठीक है ये तो आपको पता चल गया सिंपल सा ठीक है इसको भी हटा देते हैं परफेक्ट ठीक है एंड एट दी एंड में हम यहाँ पे भी कर सकते हैं कुछ अगर प्रॉब्लम हो तो रिटर्न नल कर दो यहाँ पे भी ठीक है तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है डेटा हमें मिलता है ठीक है डेटा के बेस पे अगर हाँ सक्सेस हुआ तो ये जो डेटा है इस पर आप ऐड कर देना तो अब ये जो पोस्ट है मैं यहाँ पर आऊँगा एंड ऑब्वियसली अब मैं वो पोस्ट की मदद से ही तो अपना पूरा डेटा मैं चलाऊंगा है ना तो इस तरीके से ऑल राइट तो आप देख सकते हो कि मैंने इतना सा कोड कॉपी पेस्ट कर दिया क्योंकि इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी ठीक है जस्ट पोस्ट को मैंने लूप लगाया विद द हेल्प ऑफ मैप करेंट एलिमेंट एंड ये मैंने चिपका दी अब यहाँ पर मैं एक काम ये कर सकता हूँ कि एटलीस्ट इसको मैं डिस्ट्रक्चर कर सकता हूँ ठीक है वो तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ ठीक है सो आई डी टाइटल एंड वी हैव अ बॉडी ठीक है ये होगा डी स्ट्रक्चर फ्रॉम आवर करेंट एलिमेंट ठीक है अब एटलीस्ट इतना करने से ये जो झंझट जो दिख रहा है ना ये फालतू का इससे मुक्ति मिल जाएगी ठीक है परफेक्ट चलो एंड या yeah, इतना हो गया अब लेट्स गो ओवर हियर एंड आप देख सकते हो कि ऑलरेडी मुझे डेटा आ रहा है लेकिन पूरा के पूरे सौ डेटा मुझे यहाँ पे आ गए एंड ये जो लुक इस तरीके से आपको दिख रहा है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन एकोर्डियन वाला जो भी है उसके चलते हमें ये दिख रहा है एंड सी एस एस तो मैं ऑलरेडी अप्लाई कर ही चुका हूँ तो गाइस डेटा तो मुझे आ गया कोई बड़ी बात नहीं है एंड फॉर सम रीज़न वार्निंग नहीं आया मुझे जैसे तो वार्निंग आती थी बट ठीक है चलो अच्छी बात है बट यहाँ पर हम एक और चीज़ें कर सकते हैं कि ये वाला पार्ट ना अगर मैंने नहीं की होती फॉर एग्जाम्पल तो भी डेटा आता तो भी डेटा आ रहा है चलो ठीक है अच्छी बात है बट एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ जब भी आप इस तरीके से कर सकते करोगे ना तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये हो सकता है कि आपको अनडिफाइंड वाला डेटा आए तो उसके लिए कुछ मत करना आप यहां पे क्वेश्चन मार्क ऐड कर देना नाउ इट्स बिकम योर ऑप्शनल चेनिंग कि हां भाई कोई भी ऑब्जेक्ट का डेटा हो भले ही वो एम हो या नल हो या अनडिफाइंड हो तो ये हैंडल कर लेगा ऑप्शनल चेनिंग ठीक है तो बस इतना आपको ध्यान में रखना है एंड या मेरा काम हो गया सो so, अब एक चीज बस आपको ये दिखाना था कि ओल्ड तरीके में भी हम डेटा फेच कर सकते हैं तो यही सेम चीज को हम और बेटर कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगा विद दी हेल्प ऑफ रिएक्ट क्वेरी एंड अभी भी बहुत सारी चीज़ें तो मैंने किया ही नहीं जैसे आ, वो लोडिंग सेट इज लोडिंग इफ यू रिमेम्बर है ना यहाँ पे मैं चलता हूँ यहाँ पे मुझे क्या लगेगा यहाँ पे इज लोडिंग लगेगा राइट right? यहाँ पे मुझे इज एरर लगेगा उसको चेक करो ये करो तो कितना कुछ लग रहा है मुझे जस्ट एक डेटा को कॉल करने के लिए एंड बहुत कुछ हमें लगता है यूज इफेक्ट ये सब कुछ लेकिन कल के वीडियो में आप मेक श्योर sure करना आप देखना कि इतना सब कुछ ना आपके हार्डली चार या पाँच लाइन में हो जाएगा हार्डली तीन चार लाइन में कंप्लीट हो जाएगा ठीक है सो यह दिस इज इट आज इस वीडियो के इतने आई होप वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा आई नो आज का वीडियो थोड़ा सा था अबाउट रिएक्ट क्वेरी बट ओल्ड तरीका भी एक अच्छा हुआ आपका एटलीस्ट रिविजन तो हो गया राइट तो कल का वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला तो कल की वीडियो को आप मिस नहीं कर सकते सो so गैस वीडियो कैसा लगा मी नो इन दी कमेंट सेक्शन कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके बताना रि इंस्टॉल हुआ है नहीं वो भी जरूर बताइएगा एंड गैस नाउ और नेक्स्ट टारगेट इज सेवन लैक्स सब्स्राइबर्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ कर दीजिएगा मिलता हूँ कल की वीडियो में टिल दें गैस थैंक यू सो मच टेक केयर